हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द हिमाचल एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सारे के सारे लोग ठीक होंगे। सुबह के दोस्तों अभी 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है एंड आज धूप जो है ना लगभग आप ये मान के चलो निकली भी है और नहीं भी निकली है, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है। और ये एनवायरनमेंट भाई सुटेबल है आपको बताया केसर की खेती के लिए। तो ऐसे में आज हमारा लास्ट डे है केसर की खेत के ऊपर भी। ऊपर वाला जहाँ पे मैं टॉप ऑफ हिल पे गया था वो वाला खेत हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा। तो अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं भाई ट्रैक्टर लाने के लिए और ट्रैक्टर को वापस लेके आएंगे खेतों में एंड फिर वहाँ पे चलाएंगे। फिलहाल दिक्कत ये आती है कि जिस रास्ते से अभी मैं उतर रहा हूँ ना दोस्तों, इसी रास्ते में आपको पता है कि ट्रैक्टर ले जाना या वापस से उसको चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर 2-3 बंदे जो है साथ में, आप देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं तो मतलब सारे लोग मिलके काम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और ऊपर से बोल रहे हैं कि शायद से अज्जू भाई को भी आज शाम को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, ठीक है बोल रहे थे वो। अभी क्या बनता है क्या नहीं वो तो नहीं पता है, बट चलो शाम होते होते देखते हैं क्योंकि मेरे और भी प्लान बन रहे हैं शाम को। मतलब मैं घर में नहीं होऊंगा अभी और कहाँ जा रहा हूँ वो वीडियो आप देखते रहिए आगे आगे। तो चलो आज फिर से करते हैं केसर वाला जादू। मजे की बात बताओ दोस्तों, तो अभी तो इन रास्तों पे चला जा सकता है लेकिन जब सर्दी आ जाती है ना भाई, ये वाले रास्तों पे जब बर्फ पड़ जाती है तो बिलीव करिए कि बहुत से लोगों की यहाँ पे भाई टांगे टूटती हैं। क्योंकि अभी जितनी खड़ी आपको लग रही है नहीं भाई, उससे भी ज्यादा खड़ी हो जाती है। मतलब ऐसे समझ लो आपकी पूरी स्कीइंग गैली बन जाती है और स्कीम भी ऐसी कि यहाँ से चले ना तो भाई वो तो फिर नीचे गांव में ही रुकेगी। तो अभी ना दोस्तों पीछे आप ये जो खेत देख पा रहे हैं ना, इसी खेत को जो पूरा का पूरा बोना है। एंड अगर आप इसे हल्का समझ रहे हो ना भाई तो मत करो ऐसा समझने की कोशिश, क्योंकि केसर को जब बोते हैं ना दोस्तों तो जमीन को 2 या 3 बार जो है ना वो हल्का करना रहता है। तो ऐसे में बहुत मेहनत लगती है भाई। तो अभी दोस्तों हम उस घर में जा पहुंचे हैं जहाँ पे कि हमें ट्रैक्टर लेना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर को हम फिलहाल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये थोड़ा स्टार्ट होने का नाम नहीं लग रहा, शायद से काफी दिन हो गए इसको खड़े खड़े। तो ऐसे मैं थोड़ा तो इसको ड्राइव करके ले जाएंगे लेकिन उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी बीच में रास्ते में। 1 hour later प्लान तो दोस्तों मेरा ऐसा था कि अभी शाम के टाइम मैंने निकलना था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 1:52 लगभग 2 बजने को आ गए हैं एंड पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की कंटिन्यू जो है ना दोस्तों स्टार्ट तो हुआ नहीं। मतलब जो सोचा था कि भाई स्टार्ट करके घर चला जाऊंगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी बीच वाली चक्की जो है ना उसकी रस्सी टूट गई है। तो उस रस्सी को कभी हम तस्मे से लगा रहे हैं, कभी टूट जा रही है, कभी क्या। तो फिलहाल अभी तक काम जो यहाँ पे चल रहा है। तो मेरा काम यही है कि यार भाई बाहर से आए हुए हैं तो ऐसे में उनके लिए दिक्कत हो जाती है ना, मतलब ट्रैक्टर वगैरह अरेंज करने की। तो एक बार ट्रैक्टर पहुँच जाए ना भाई खेतों में फिर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैं खुली है काटो तेरा नाक काटो, आता हूँ मैं रुक, वो दाटी देना मेरे को वहां से आया मैं, रुक जा नाक काटो तेरा नाक काटो है। भाग गया भाई, बच्चा ही भाग गया। सब मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता बट मैं बहुत टाइम करता हूँ भाई, जब भी मेरे को छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं ना उनको कैसे ना कैसे परेशान करते रहो, डरा के रखो, मतलब थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल अभी फिर से ट्राई कर रहे हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की और बड़े ना ऐसे नॉर्मल ऐसे नाजुक हाथों से लगे हुए क्योंकि भाई ये बार बार रस्सी टूट जा रही है। चलो 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 चलो, बस 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 थोड़ा सा और। तो अभी भाई चढ़ा के लाए ट्रैक्टर, बट आप पूछो मत हालत क्या होगी, देख सकते हैं मेरे लिप्स भी प्रॉपरली सूख चुके हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसके यहाँ पे ये रहता है कि भाई थोड़ा सा भी नीचे गिरा तो खेल ख़त्म, ठीक है। तो इस वाले खेत पे लेके जाना है, वो वहाँ से उस वाले घर से वहाँ से लेके आए भाई पैदल 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 पैदल। अभी ना दोस्तों दिमाग मतलब पूरा दही हो चुका है, सही बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि आस पास ना प्रॉपर यहाँ पे अंधेरा होने को आ गया है। और मेरा प्लान भाई जहाँ भी बन रहा था जाने का, एक तो भाई मेरा था कि मैं शादी में जाऊँगा वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा हूँ और ऊपर से अज्जू भाई को कहीं लेके जाना था। अब प्लान यही कर रहे हैं कि अज्जू भाई को ही लेके जाते हैं कहीं और उनको कैमरा में, आपको पता मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्या है। तो आज का ब्लॉग ना दोस्तों कुल मिला के घर से निकला यहाँ तक आया और सच बताऊँ तो यहाँ खेतों में ही हो गया भाई। कभी कभी ऐसा होता है इसलिए डेली ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं होती, अब खेतों में तो क्या ही काम करते दिखाते, मतलब यार पूरा का पूरा माथा होता है ना भाई उसका सर चकरा गया ऐसे समझ लो। तो चलो गाइस अज्जू भाई को तो अभी दिखाना नहीं है मुझे आप लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ भाई उनको लेके कहीं ना और उनका करवाते हैं कहीं अच्छे से ट्रीटमेंट। अभी मंदिर वगैरह को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा आपको पता है साइंस की तरफ और डॉक्टर्स की तरफ जैसे होते हैं तो उनसे भी करवा लेना चाहिए, ठीक है तो मेरा ऐसा मानना है। तो अभी देखते हैं, घर वालों से बात होगी उनके, तो उनके फैमिली वगैरह के लोग भी जा रहे हैं साथ में, तो आई होप कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आप भी प्रे करना। चलो ठीक है, टेक केयर एंड बाय।